हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस कंपनी की डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैं सभी स्टॉक की डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस बताता हूँ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हम यहां देखते हैं, इस कंपनी की शेयर प्राइस 678 रुपये और एक दिन में 0.21% की तेज़ी देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 4% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, 1 महीनों में 9% के नेगेटिव रिटर्न, 6 महीनों में 21% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल में 24% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 227% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 12,740% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। इस कंपनीज ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी मल्टीबैग रिटर्न दिया है। तो क्या इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पर, फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल्स पर। तो जैसा कि हम टेक्निकल की बात करें तो इस स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, अभी इस स्टॉक में कंटिन्यू तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी गिरावट होने के बाद काफ़ी अच्छा बाउंस बैक इस स्टॉक में देखने को मिला है। अगर एक ट्रेंड लाइंस बनाए तो ओवरऑल ट्रेंड लाइंस यहाँ इस तरीके से बनते हुए देखने को मिली है। तो जब भी आप स्टॉक में एंट्री करते हो तो आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस को प्रॉपर बनाकर रखना है, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सको कि स्टॉक में कितनी तेज़ी हो सकती है और इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ ट्रेंड लाइन बनाई तो आप यहाँ देख सकते हो इस स्टॉक का जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के बाद वीकली टाइम फ्रेम को ओपन करना है और आप यहाँ देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पर भी ऑल ओवर काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो ये इस स्टॉक का जो टारगेट है 750 रुपीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्टॉक में कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि यहाँ इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद थोड़ा तेज़ी देखने को मिले, वापस गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर इस स्टॉक का जो लो टूटता है, ऑलमोस्ट ये स्टॉक का लो है यानी 600 रुपीज़ का, 600 रुपीज़ का लो ब्रेक डाउन होने के बाद स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिलेगी, फिर ये स्टॉक 400-500 रुपीज़ तक भी देखने को मिलेगा। अगर ये हाई को ब्रेकआउट करता है 750 रुपीज़ को, तो स्टॉक में और हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक अपना जो पुराना एक रेजिस्टेंस था छोटा सा, वो यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। ऑल ओवर अभी भी इस स्टॉक में जब इतनी बड़ी बियरिश कैंडल्स को ब्रेकआउट करेगा तो ही स्टॉक में कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ देखते हो, एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था ट्रेंड लाइन का, जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली और पुराना जो सपोर्ट था वही सपोर्ट लेकर ही इस स्टॉक में बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो बात कर लेते हैं कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो जैसा कि हम कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो ये जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस NBFC की कंपनी है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। और ये जो कंपनी है यहां पे प्रोवाइडिंग व्हीकल फाइनेंस, होम लोन्स एंड होल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ में वर्क कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 55,800 करोड़ का है। करंट प्राइस 680 रुपीज़, स्टॉक का लो 469 रुपीज़, स्टॉक का हाई 770 रुपीज़ है। PE की बात करें तो 25.9 है। बुक वैल्यू 143 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड 0.29% है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.33% है। ROE 20%, यानी ऑल ओवर कंपनीज के फंडामेंटल्स यहाँ ठीक देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनीज के क्वार्टरली प्रॉफिट्स पर। तो जैसा कि हम कंपनीज के क्वार्टरली प्रॉफिट्स को देखते हैं तो इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो प्रॉफिट्स हैं कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले और इस क्वार्टर 687 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर 528 करोड़ का प्रॉफिट था। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो पिछले क्वार्टर, पिछले ईयर 1,500 करोड़ का प्रॉफिट था और इस ईयर 2,154 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी ऑल ओवर कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कंपनीज के रिजर्व्स की तो आप यहां देख सकते हो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है, 11,600 का रिजर्व। बोरिंग्स की बात करें तो 69,000 करोड़ का बोरिंग्स है। ये जो कंपनी है NBFC सेक्टर की है, लोन प्रोवाइड करती है, इसलिए यहाँ पर कंपनी का जो
बोरोइंग ने काफी बढ़ते हुए देखने को मिला है। जितना कंपनी लोन देगी उतना ही इन कंपनीज को रेवेन्यू मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम बात करें कैश की, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कंपनी का जो कैश है वो भी काफी अच्छा है, 4,300 करोड़ का। बात करें यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स के पास 51% के स्टेक्स हैं, काफी अच्छा स्टेक्स प्रमोटर्स के पास है। FIIs में 17% के स्टेक्स हैं, DIIs के पास 23% के स्टेक्स हैं। DIIs में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर SBI मिड कैप फंड के पास इस कंपनी के स्टॉक्स हैं, आदित्य बिरला कैपिटल के पास, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के पास, बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो क्या इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जी दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो, तो जैसा कि आप यहाँ देखते हो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को खरीदते हो तो काफ़ी लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीबैग रिटर्न देखने को मिलेगा। तो क्या आपके पास ये स्टॉक है? नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए।